टेंडर्स महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम ई टेंडर का पेमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। मेरे पास एक ये टेंडर डिटेल है, इसमें टेंडर के ताल्लुक से पूरी मालूमात रहती है। आने वाले वीडियोस में हम इसे भी अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पर मुझे टेंडर आईडी मिलता है जिसके जरिए मैं ये टेंडर को सर्च कर सकता हूँ और उसका पेमेंट कर सकता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करके करूंगा। इसमें स्टेप ये होगी कि सबसे पहले हम लॉगिन करना देखेंगे, उसके बाद टेंडर को फेवरेट में ऐड करेंगे, उसके बाद माय टेंडर में जाके पेमेंट करेंगे। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज। तो मैंने डीएससी का ई टोकन को इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, उसके बाद मैं ये पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, अच्छी तरीके से चेक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन बटन पे एक सिंगल क्लिक करेंगे, यहां पर मैं टाइप कर देता हूं ई टोकन का पिन, मेरे केस में 1 से 8 था जो मैंने टाइप कर दिया है, और लॉगिन बटन इनेबल होने के बाद इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूं। अब मैं पेमेंट कर सकता हूं, मेरे मेन पेज पर मैं आ गया हूं। यहां पर मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा। अब ये टेंडर आईडी है, इसे ड्रैग करके सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। कॉपी करेंगे, यहां पर क्लिक करता हूं मैं सर्च एक्टिव टेंडर्स, इस पर एक सिंगल क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करके मैं कंट्रोल वी करता हूं, उसके बाद देखो सर्च, वो टेंडर यहाँ दिखाई देता है, इस पर टिक करना है और इसे सेट ओपन टेंडर्स एज फेवरेट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। माय टेंडर्स में जाना है, मेरी केस में अभी सिर्फ एक ही टेंडर है यहाँ पर, हो सकता है कि बहुत सारे टेंडर की लिस्ट यहाँ पर हो, अभी मेरे पास फिलहाल ये एक ही है जिसका देखो ये आईडी है, मैच होता है। व्यू पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, आई एग्री, नेक्स्ट। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, नेक्स्ट। यहां पर दो ऑप्शन है, फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ पेमेंट के ताल्लुक से बात करने वाले हैं, तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूं, SBI बैंक, इस पर ये रेडियो बटन को टिक करके मैं सबमिट करता हूं, सबमिट। यहां पर दो ऑप्शन है, एक है SBI बैंक का और एक अदर बैंक का, तो मैं SBI पे क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे इस बैंक के अकाउंट से मुझे पेमेंट करना है, तो इस पर सिंगल क्लिक करता हूं। यहाँ पर आईडी को आप टाइप करेंगे, मैं मेरे केस में मेरी आईडी यहाँ पर टाइप कर देता हूं, आईडी टाइप करने के बाद अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है। यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, पर क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पे कंफर्म करेंगे, यहां पर पासवर्ड फिल कर देना होता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं।
उसके बाद कंफर्म, उसके बाद इस पर क्लिक करना होता है। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाता है।